सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य स्वरूप हैं और सत्य स्वरूप भगवान की उपासना करने वाले भक्त संत महापुरुष वे प्राणपण से सत्य का निर्वाह करते हैं। श्री पीपाजी महाराज के इस चरित्र में सत्य के निर्वाह का महापुरुषों की वाणी से कैसे भी निकल जाए कोई शब्द, उसका निर्वाह वे कैसे करते हैं, इसका निरूपण किया गया है। हमको भी एक ऐसी अनुभूति हुई एक संत के संबंध में, कहना तो नहीं चाहिए पर कई अधिकारी महापुरुष बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं। सौराष्ट्र के एक संत थे श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, विरक्त संत थे, बहुत अच्छे संत थे। तो श्री मलुकदास जी की जयंती का उत्सव था, उनका कार्ड में नाम भी छप गया था। हमने कहा महाराज जी आपको उत्सव में आना है, मुस्कुराकर बोले जैसी भगवान की इच्छा। नहीं महाराज जी आपको आना ही है। तो कई बार जब हमने कहा तो उन्होंने हां कर लिया, पर भगवान की विचित्र लीला, चैत्र में वे भगवत धाम चले गए। बैसाख में उत्सव होना है और उत्सव के ठीक कुछ दिन पूर्व 15-20 दिन पूर्व महाराज भगवत धाम चले गए। अब हमारे चित्त में बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा देखो महाराज आने थे, हमने हट भी किया था, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, आए नहीं, अब तो शरीर शांत हो गया, अब तो कैसे आएंगे, दुख हुआ मन में। महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी इस बार उत्सव संक्षिप्त कर लें। महाराज जी बोले ये शोक मनाने की परंपरा गृहस्थियों में होती है, बाबू संपूर्णानंद जी महाराज ठाकुर जी के यहां गए तो वहां भी उत्सव हो रहा है तो यहां भी उत्सव करो, ज्यादा तुम्हारे चित्त में है तो उनकी छवि विराजमान कर देना। ठीक है महाराज। उत्सव के ठीक एक दिन पूर्व स्वप्न अनुभूति हुई, एक विमान उतरा, फूलों से सजा हुआ है और वो चंदन वगैरह नहीं लगाते थे, परमहंस महात्मा थे, पर खूब केसरिया चंदन, पूरा मुखबर चंदन लगाए हैं संपूर्णानंद जी महाराज, और पीला वस्त्र धारण किए हैं और इतनी मालाएं तुलसी की, हरी हरी तुलसी की और पुष्प की मालाएं कंठ में पड़ी हैं, खूब बोझा मालाओं का धारण किए हुए हैं और नारायण 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 बोल रहे हैं। अपने राम पहचान गए, साष्टांग किया, उनको दंडोत किया, दंडोत किया तो कंधे पर हाथ रख लिया और तुरंत बोलते हैं आप हट करते थे ना कि आप उत्सव में आना, इसलिए हम आ गए हैं। ये बात कही, हम अपनी वाणी को सत्य करने के लिए आ गए हैं, अब हमें दिखाओ समाधि कहाँ है मलुकदास जी की। महाराज ये समाधि है, तो समाधि को प्रणाम किया, परिक्रमा किया। रसोई कहां बनेगी, मैंने कहा यहां रसोई बनेगी। कथा कहां होगी, यहां कथा होगी। सब पूरे स्थल का निरीक्षण करके बोले हमारा वचन पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं। अब हम ये कह ही नहीं सके कि महाराज उत्सव उत्सव विराजिए, और वो ऐसा खुला जैसे खुली जीप जैसी होती ना, ऐसे ही विमान बढ़िया फूलों से सजा हुआ विमान था, आके उसमें फिर बैठे और फिर देखते देखते उड़ गए। ये अनुभव मैंने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी गदगद हो गए। देखो संत सत्य का कैसा निर्वाह करते हैं ये अनुभव कर लेना चाहिए। तो वे सत्य के बड़े दृढ़ता पूर्वक उपासक थे। तो यही एक विशेष चरित्र है पीपाजी के चरित्र में। पीपाजी भगवत प्रेम की मस्ती में ऐसे डूबे रहते थे कि उन्हें अपने शरीर का अनुसंधान नहीं रहता था। नात्मान मस्मर दशा विति मुक्त लिंगा, ना आत्मान मस्मर, अपने आप को भी भूले रहते थे। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, आनंद में विह्वल रहा करते थे। जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत है पग परत है कितहु, सुध नहीं तन छाया घाम की। जाहे लगन लगी घनश्याम की, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। पीपाजी इसी स्थिति में रहते थे और उसी समय एक संत पधारे
और ये इसी चैत्र नवरात्रि की घटना है। वो आकर बोले, महाराज जी हमारी बड़ी अभिलाषा है, अब का नवरात्रि आप हमारे यहाँ करें और वहां ठाकुर जी को आप श्री राम जी का चरित्र सुनावें और सब संत सुनकर आनंदित होंगे, रामनवमी अब की बार आप हमारे ठाकुर जी के यहाँ की करें। पीपा जी तो अपने आनंद मस्ती में थे, आपने कहा ठीक है आपके यहीं की नवमी करेंगे। थोड़ी देर बाद एक संत और आ गए, बोले महाराज इस साल तो नवमी आपको हमारे यहाँ की करनी है। तो इस मस्ती में थे पीपा जी कि उन्होंने यह विचार नहीं किया कि अभी थोड़ी देर पहले एक महात्मा के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है, तो एक ही समय में दूसरे संत के यहाँ के आमंत्रण को कैसे स्वीकार करें। उसने प्रार्थना किया तो पुरानी बात तो वे भूल गए, बोले ठीक है महाराज आपके यहाँ चले चलेंगे, संत भगवान जैसे प्रसन्न हो वैसा करें। तीसरे महात्मा आ गए, बोले महाराज इस बार तो आपको उत्सव हमारे यहाँ करना है, उनके यहाँ स्वीकार कर लिया। चौथे महात्मा के यहाँ स्वीकार कर लिया, पांचवें महात्मा के यहाँ स्वीकार कर लिया। पांच संतों के आश्रमों में पृथक पृथक नवरात्रि महोत्सव करने का वचन दे दिया। और ये वचन देने के बाद यह भी भूल गए कि हमको कहीं जाना है। उनसे तो कह दिया कि ठीक है आप यहां आ जाएंगे, बोले महाराज हम लेने आ जाए, बोले लेने आने की जरूरत नहीं हम अपने आप ही आ जाएंगे। और स्वयं भूल गए। इसी बीच में आपके यहां एक संतों की जमात पधारी, सेवकों ने याद तो दिला दिया था आपको कि महाराज आपको आप जाने का वचन दे चुके हैं, पर आप जाने के लिए तैयार थे। इसी बीच में संतों की जमात आ गई। आपने मन में विचार ये किया कि पांचों जगह वचन दे चुके हैं तो ऐसा करेंगे कि नौ दिन में पांचों स्थानों में घूम लेंगे, एक एक दो दो दिन सब जगह कथा कीर्तन कर लेंगे। पीपा जी ने ऐसा निश्चय किया था। वो जाने को तैयार थे, उसी समय संतों की एक बड़ी जमात पधारी और संत बोले महाराज इस बार तो हम लोग पहले से निश्चय करके आए हैं, नवरात्रि महोत्सव आपके चरणों में आपके स्थान में ही मनाया जाएगा। हमारे गोपाल जी हैं, यही खूब जन्मोत्सव की आरती होगी, बधाई गान होगा। पीपा जी संतों की सेवा में भूल गए तो कितने जगह हो गए, छह जगह हो गए अपने स्थान पर नवरात्रि महोत्सव और अलग अलग पांच संतों के स्थानों पर नवरात्रि महोत्सव। अब आपको स्मरण में आया तब आपने लीला की। देखिए वेद में एक मंत्र है, उसमें लिखा है स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति, ऐसा उसमें आया है। तो मुक्तात्मा के संबंध में कहा गया है कि मुक्तात्मा जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे चाहे तो एक रूप धारण कर लें, दो रूप धारण कर लें, तीन रूप धारण कर लें, चार रूप धारण कर लें, अनेकों रूप धारण कर लें। उदाहरण सौभरी ऋषि ने 50 रूप धारण करके मानधाता की कन्याओं को संतुष्ट किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेकों रूप धारण कर सकते हैं मुक्तात्मा। तो परम मुक्तात्मा श्री पीपाजी महाराज ने पांच रूप धारण किए और पांच रूप धारण करके पांचों संतों के यहां नौ दिन कथा कीर्तन किया। और नौ दिन कथा कीर्तन करने के बाद पांचों गांवों में अपने शरीर भी छोड़ दिया। प्रियादास ने लिखा तन पांच ठौर जारी के, पांचों जगह रामनवमी उत्सव हुआ, बोले अब उत्सव पूरा हो गया अब हम चले भगवत धाम। और कीर्तन करते करते पीपा जी ने शरीर शांत कर दिया। लोग रोने लगे, हाय हाय देखो बताओ स्थान में भी नहीं जा सके, अच्छे भले खासे बैठे थे कीर्तन कर रहे थे शरीर छूट गया, चलो अब कोई बात नहीं अब तो संस्कार करना ही पड़ेगा। तो पांचों जगह पीपा जी का संस्कार भी कर दिया गया। तन पांच ठौर जारी के पांचों जगह दाह संस्कार पीपा जी का हो गया। अब पांचों जगह दाह संस्कार होने के बाद एक गांव में एक दो आपकी दो शिष्याएं थी, वे समाचार देने को चली तो उनके गांव में भी शरीर छूट गया था। तो मार्ग में चार गांव मिले, उनमें भी अलग अलग तिरोभाव महोत्सव मनाया जा रहा था। पीपा जी महाराज का
शरीर छूट गया ना तो संतों का उत्सव मनाया जाता। तो पांचों जगह रामनवमी के बाद तिरोधान महोत्सव मनाया जा रहा था पीपा जी का, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो वे वहां से चली तो जैसे ही आश्रम में आई और इधर ये तिरोधान महोत्सव मनाकर गांव के लोगों ने कहा चलें भाई अब आश्रम में तो सूचित करिया में कि अब स्वामी जी आने वाले नहीं है क्योंकि उनका तो भोज भंडारा भी हो चुका है। तो यहां आकर देखा तो क्या देखा कि चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का उत्सव पीपा जी मना रहे थे आश्रम में। वो साधु खूब चकाचक हनुमान जी की आरती कर रहे थे, जय जयकार हो रहा था। अब तो वो सब आश्चर्य में पड़ गए कि हमारे यहां भी शरीर छोड़ा, हमारे यहां भी संस्कार हो गया और ये तो यहां बैठकर कथा कीर्तन कर रहे हैं। इस दिव्य चमत्कार को देख करके सबको अनुभव हो गया पीपा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये दिव्य संत है, ये कोई दिव्य महापुरुष है। लोगों से रहा नहीं गया तो उन्होंने पीपा जी से पूछा महाराज ये क्या लीला। तो पीपा जी बोले राम जी की लीला, राम जी जाने, हम कुछ नहीं कह सकते इस समय। बोलो वृंदावन बिहारी तन पांच ठौर जारी के, सातवां चरित्र है पीपा जी का इसी कवित्त का, कागद ले कोरो करो। एक दिन पीपा जी के यहां जमात आई, सब भंडारे के ही चरित्र हैं ज्यादा से ज्यादा। एक दिन पीपा जी के यहां संतों की जमात आई, पीपा जी ने कई दिनों तक संतों की सेवा किया और सेवा के बाद संतों से पूछा महाराज कोई आज्ञा हमारे लायक कोई सेवा। संतों ने कहा महाराज हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारे पास खर्चा नहीं है, आप हमको कुछ दे दीजिए तो वहां भी जाकर हम लोग भोज भंडारा करेंगे। आपने एक महाजन को बुलाया, महाजन को बुला करके रुक्का लिख करके रुक्का लिखवा दिया, पैसा दिलवा दिए और उस रुक्के पर शर्त लिखवाई कि तुम कभी तगादा नहीं करोगे, जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे और नहीं आएगा तो जैसी भगवान की इच्छा, हम वादा नहीं करते, वचन नहीं देते, पर आ ही जाएगा तो हम दे देंगे तुमको, पर तुम तगादा करने मत आना। अब पीपा जी का तो जो आवे उसको लुटा दें तुरंत के तुरंत, तो बचे कहां से जो बनिया बेचारे का पैसा चुकाया जाए। उस बेचारे महाजन का धैर्य टूट गया, उसने कहा ये तो ऐसे ही खाते उड़ाते रहेंगे, हमारा पैसा तो डूब गया। वह आया और आकर उसने पैसा मांगे, आपने कहा हमने तो पहले ही शर्त लिखी हुई है कागज पे कि हमारे पास जब होंगे तब हम देंगे, हमारे पास अभी है ही नहीं। उसने कहा कि इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इतने बड़े बड़े भोज भंडारा कैसे करते हो, उत्सव तो तुम्हारे कोई कम नहीं हो रहे हैं, संत सेवा कम नहीं हो रही है और देने के लिए कहते पैसे कम है, हमारा पैसा किसी कीमत पर चुकाओ नहीं तो हम पंचायत जोड़ेंगे। पीपा जी बोले जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो सो कर लो। अब तो उसने महाराज पंचायत इकट्ठी की, पंच जोड़ लिए, पंचायत में ही सब फैसले हुआ करते थे पुराने, अभी भी गांव में कई जगह पंचायत जुड़ती है, पंचायत जुड़ गई। उस पंचायत में पीपा जी को पंचों ने आमंत्रित किया, बोले आओ। पीपा जी महाराज आए, आपने इससे पैसा लिए, बोले हाँ लिए, संतों के लिए जाना था द्वारिका तो इसलिए हमने उनको पैसा दिए। अच्छा तो आप इनके पैसा देते क्यों नहीं है, आपने कहा कि सेठ जी कागज लावें और अपना हिसाब बतावें तो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके दे देंगे। इतना ही सेठ गया दौड़ा दौड़ा, तुरंत बही खाता ले आया, कागज ले आया, कागज दिखाया तो बड़े आश्चर्य की बात थी, राम जी ने ऐसी लीला रची वो जिस पर रुक्का लिखा था वो कागज कोरा हो गया, उसमें एक अक्षर नहीं लिखा था, कागज ले कोरो करो, कोरा कागज हो गया। उस कोरे कागज को देखकर पंच बहुत नाराज हुए, बोले एक श्रेष्ठ संत जो इतने बड़े राजा थे किसी जमाने में, सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए और तू इतना धूर्त कि संत पर मिथ्यारोप लगाता है, तेरे पास कोई कागज नहीं, तेरे पास कोई प्रमाण नहीं, कोरा कागज दिखा रहा है, तुमने संत का अपमान किया इसलिए तुम्हारा जाति से बहिष्कार किया जाता है। वो रोने लगे, बोले अब देखो सब घोषणा कर दो, इन सेठ जी की दुकान से न कोई कुछ देगा और न कोई कुछ लेगा,
पूरा बहिष्कार करो, उनका हुक्का पानी सब बंद कर दो। अब तो बेचारा रोने लग गया, तो श्री पीपा जी ने कहा इस बेचारे को दंड न दिया जाए, हमने तो साधुओं के निमित्त रुपए लिए थे, पर तय था कि ये मांगेंगे नहीं, इन्होंने मांग लिए, इसलिए राम जी ने ऐसी लीला रची कि कागज कोरा हो गया, भगवान की इच्छा से कागज कोरा हो गया। अब तो दूसरा एक व्यक्ति था, उसने तुरंत पैसे, बोले कितने पैसे थे महाराज बताओ, इतने पैसे, तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब लगा करके उस वैश्य को पैसा चुका दिया। अब तो वो इतना लज्जित हो गया, वो महाजन इस दृश्य को देखकर सब लोग छींछी करने लगे। अंत में वह रोकर गिड़गड़ा कर उसने चरण पकड़ लिए, निश्चय किया कि हम भी संत सेवा करेंगे, हमको भी वैष्णव बना दिया जाए। तब आपने उस महाजन को भी दीक्षा देकर के कृतार्थ किया। भरयो घर त्यागी। एक दिन श्री पीपा जी के यहां अभाव बना ही रहता था। आप लोग कहें अभाव क्यों बना रहता था, इनकी अति उदारता ही अभाव का कारण थी। संत आ जाते तो क्या लुटा दें, क्या दे दें, बस इसी में गरीब बने रहते, जो आया उसे लुटा दिया, अभाव बना रहता था। और कभी कभी अन्य से भंडार भर भी जाता था, किंतु आपको निष्किंचनता इतनी प्रिय थी कि वो बार बार उसको खर्च कर दिया करते थे। एक बार आपके आश्रम में बहुत सा अन्न धन विविध सामग्रियों का संग्रह हो गया, आदर सत्कार बढ़ गया। इससे ऊब करके आपने सीता सहचरी जी से कहा कि यहां तो विघ्न हो रहा है, इस भरे पूरे आश्रम को छोड़कर हम लोग अन्यत्र चलें। तो 80 कोस चले, लगातार चलते ही रहे। 80 कोस चलकर एक दूर नगर में पहुंचे, वहां बाजार था, वहां बैठ गए। वो इतने विमुख लोग थे कि जो बैठे पीपा जी महाराज वो लठिया लेकर आ गए, क्यों बैठे हो यहां। वो ऊट पटांग साधुओं को देखकर उसने इतनी गाली दी, बहुत फटकारा। पर ये बोले कि आज बढ़िया दवाई राम जी दे रहे हैं, वाह वाह और जय जयकार तो खूब होती थी, इसी को लेने तो आए थे, बहुत अच्छा हुआ, सुंदर औषधि मिली। जैसे चीनी की बीमारी वाले लोग वो करेले का जूस पीते हैं, तो करेला कड़वा है पर उसका जूस शुगर कम करता है, इस विचार से वो करेले का जूस भी उनको प्रिय लगने लग जाता है। ऐसे ही अपमान जो है करेले के जूस के समान समझो, ये सम्मान बढ़ना ये चीनी के रोग के समान है, और ये अपमान होना ये करेले के जूस के समान है। तो बड़े प्रेम से जैसे बुद्धिमान रोगी करेले के जूस को भी स्वादयुक्त होकर के पीता है, ऐसे ही विवेकी संत अपमान को भगवत कृपा के रूप में अंगीकार करते हैं और प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं। धक्का लगाए, भगा दिया वहां से। तब आप हंसने लगे और सीता सहचर जी के साथ वहां से उठकर बैठे, एक दुकानदार के यहां बैठ गए, उसने भी वही डंडा उठाया, उगाली दी, मानता नहीं है, वहां बैठा था यहां बैठ गया। आपने कहा सीता सहचरी जी आज राम जी ने बड़ी कृपा करी है, यह क्षेत्र रहने लायक है, कुछ दिन यहां रहे, अब जहां बैठे वहीं गाली गलौज, वहीं झगड़ा, भगवान की लीला कुछ ऐसी विचित्र। ए यहां क्यों बैठे, उठो यहां से, जाओ यहां से। इतने में उस नगर में कोई आदमी आया बाहर से, नाते रिश्तेदारी में लोग आते हैं, उसने पहचान, अरे ये तो वे पाजी महाराज हैं जो दिव्य द्वारिका में 7 दिन रहकर आए हैं, भगवान का आतिथ्य स्वीकार करके आए हैं, गागरोनगढ़ के नरेश रह चुके हैं। अब तो लोगों को बहुत ग्लानी हुई, जिन लोगों ने गाली डंडे और प्रयोग किए थे वो सब रोने लगे, शरण में आए। पीपा जी बोले अब काम हो गया, अब चलो वहां से। तो वहां से सीता सहचर जी के साथ आप वहां से चले, और आपने कहा कि इसी प्रकार, सीता सहचर जी से कहा इसी प्रकार से जब जब आदर सम्मान बढ़ने लग जाए तो साधक को ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां उसकी घोर उपेक्षा हो रही हो, उससे उसको साधन में बहुत लाभ होता है। हमारे महाराज जी के जीवन में हमने विशेष बात यह देखी, जहां ज्यादा आदर हो गया वहां द्वारा नहीं गए,
और जहां उपेक्षा बनी रही वहां बार बार गए। जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी महाराज वो पहुंचे हरियाणा में एक संत सेवी स्थान, वहां उन्हीं के ग्रंथ के माध्यम से कथा हो रही थी और बाबा माधवदास जी वहां रहे तो वहां कंडा थापते रहे, गैया की सेवा करते रहे। बाद में महंत जी को पता चला तो चरणों में गिरे, बोले बाबा हमारा काम हो गया, अभी यहां से वृंदावन चलते हैं। बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई बाबा माधवदास जी की, भिक्षा लेने जाते लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई देते, तब आपने भिक्षा लेना बंद कर दिया। खोजने लग गए ऐसा कोई प्रेमी मिले जो हमको गाली दे। एक बुढ़िया थी वो देखते ही गाली देती, संड मुसंड होके घूम रहा है और आलसी, पृथ्वी का भार कहीं का, खाते कमाते बनता नहीं, घर जा हल हाँक खेती कर, यूं कर त्यों कर, पचासों बात सुनावे श्री माधवदास जी महाराज को। आप खड़े खड़े प्रेम से कीर्तन करते रहे, सुनते रहे। एक दिन बुढ़िया बोली बहुत निर्लज्ज है, इतना गाली देने पर भी आता है। अरे बोले कुछ तो देती हो गाली ही सही, देती तो हो बड़ी उदार हो, और गाली दो। अब दूंगी तुझे गाली, वो गोबर और मिट्टी में सना हुआ पोता फेर रही थी, फेंक कर पोता मारा माधवदास जी के मुख पर, पूरा पोता मुंह पर चिपक गया। आपने मुंह से छुड़ाया और कहा जा मैया पोता दिया है पोता होगा। उसके लड़के के लड़का नहीं था, बुढ़ापा आ गया था बेचारे लड़के का, बोले पोता दिया तो पोता होगा, पौत्र हो जाएगा। उस पोते को उन्होंने समुद्र के जल में धोया, धूप में सुखाया, बत्ती बना करके जगन्नाथ जी के मंदिर में चले गए। जिन दीपकों में बत्ती जल चुकी थी पर तेल था, तेल में बत्ती भिजा करके दीपक जलाए, कई बत्तियां जलाई और जलाकर हे जगन्नाथ जी इसमें हमारा कुछ नहीं, हम तो अकिंचन साधु हैं, ये दीपक की बत्ती वो बुढ़िया मैया की तरफ से जलाई जा रही है। इधर उन्होंने दीपक जलाया, उधर बुढ़िया के हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। दूसरे दिन श्री माधवदास जी महाराज फिर पहुंचे भिक्षा के लिए। अब तो बुढ़िया रोती हुई दौड़ी चरणों में लिपट गई, बोले बस अब आज के बाद तेरे द्वार पर फिर कभी नहीं आएंगे। संतों का ऐसा विलक्षण स्वभाव होता है। देवी दैनिकारिके, आप इस प्रकार से आपने यह प्रदर्शित किया। दारी हत्या हु उतारी के, आपने हत्या को उतार दिया। एक समय की बात है, आप किसी ने आपको कहा कि तुम यहां मत रुको, आगे चले जाओ, वहीं ठहरना। आप उठकर वहां से चल दिए तो देखा कि एक उजाड़ जगह है, आपने झाड़ बुहार करके वहां चौका लगाया और आनंद मग्न होकर मंजीरा लेकर के श्री पीपाजी महाराज हरिनाम संकीर्तन करने लग गए। संकीर्तन का आनंद इतना बड़ा, उसकी ध्वनि ऐसी फैली कि महाराज जहां तक नाम ध्वनि जाए वहां के जीव खिंचे हुए चले आवे, और वे सब आकर के पीपाजी के संकीर्तन का आनंद लेने लग गए। उसमें लोगों ने कहा संत कीर्तन, उसी बीच में संतों की एक जमात आ गई। अब तो कोई अपना खंजड़ी बजा रहा है, तो कोई इकतारा बजा रहा है, तो कोई संत ढपली बजा रहे हैं, तो कोई मजीरा बजा रहे हैं, तो कोई चिपिया बजा रहे हैं। अब संकीर्तन में उल्लास बढ़ने लग गया, तमाम गांव के लोग सम्मिलित हो गए और ऐसा कीर्तन, धमाकेदार कीर्तन हुआ। कीर्तन में अद्भुत आनंद की बाढ़ आ गई और लोग उस कीर्तन में, एक व्यक्ति और आया, वह भी प्रेम मुदित होकर के कीर्तन करने लग गया, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगी। कीर्तन की समाप्ति हुई, पीपाजी के चरणों में उसने प्रणाम किया और उसने कहा महाराज मुझसे अनजाने में गो हत्या हो गई। चाहता तो मैं गाय की रक्षा था पर गाय की हिंसा हो गई, कोई प्रारब्ध था। सारे लोगों ने पंचायत इकट्ठी करके मुझे जाति से बहिष्कार कर दिया। मैंने कहा महाराज हमें जाति में मिला लो, तो पंचों ने हमको दंड दिया कि तुम पूरे धरती, तुम पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करके आओ। महाराज हम चार धाम पैदल करके आए हैं पर अब भी गांव वाले लोग हमको मिला नहीं रहे हैं अपनी उसमें, तो महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। हमने तो सुना है
भगवान और भगवान के भक्त पतित पावन होते हैं, तो आप पतित पावन हैं, आप कृपा करके हमें पवित्र कीजिए। सीता जी हंसने लगे, बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो, इतने प्रेम से कीर्तन कर रहे थे, नाच नाच कर आंखों से अश्रुधार बह रही थी, भैया तुम तो अतिशय पवित्र हो है? एक बार धोखे से नाम जिह्वा से निकल जाए तो स्वपचो तो यज्ञोवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभूसस्मुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम ग्रणन्त्ये ते। वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम का नृत्य होता रहता है, और वह उसने संपूर्ण तपस्या कर ली, तेपु तपः जुहुभुः, संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, संपूर्ण तीर्थ यज्ञों में हवन कर लिया, संपूर्ण वेदों का पारायण कर लिया, जिसने आपके पवित्र नामों का संकीर्तन कर लिया। जब चांडाल भी पवित्र हो जाता है, फिर तुम तो जात्या ब्राह्मण हो, तुम तो अतिशय पवित्र हो चुके हो, तुम पवित्र हो। बोले महाराज हम पवित्र हैं तो संतों की आज की रसोई करवा सकते हैं? अरे बोले बड़े प्रसन्नता से। अब तो वह गया और घर से सीधा सामान ले आया, बड़े प्रेम से साधुओं ने रसोई बनाई और वहां कीर्तन वाले जितने लोग थे सब खाने लग गए। जैसे ही परोसने के लिए बाल्टी उठाकर तस्मय की फेरना शुरू किया उस ब्राह्मण ने, अब तो सब चिल्लाने लग गए उस ब्राह्मण को परोसते हुए देख करके, अरे ये तो गोहत्यारा है, इसके हाथ का छुआ हम नहीं खाएंगे। आपने कहा कि पंचों ने जो प्रायश्चित बताया था वह प्रायश्चित भी इसने कर लिया है, पैदल यात्रा करके आया है और भगवान नाम संकीर्तन करता है। तो भगवान के नाम की महिमा तो ऐसा है कि गोघना सुरापा ब्रह्मगना गुरु तलपगा ये सब मुक्त हो जाते हैं भगवान नाम लेकर के। भगवान की बड़ी भारी महिमा, ये शुद्ध हो गया भगवान नाम के द्वारा, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। उसके विरोधी ब्राह्मण बोले नहीं नहीं ये बिल्कुल शुद्ध नहीं हुआ, हम नहीं मान सकते इसको शुद्ध। पिताजी बोले भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि ये शुद्ध हो गया। बोले हम नहीं मानेंगे। पिताजी महाराज ने कहा आप लोग कैसे मानोगे? उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये हनुमान जी की मूर्ति है ना, जंगल में हनुमान जी थे वहीं कीर्तन हो रहा था। बोले ये हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी इसके हाथ से खाकर दिखावे, ये परोसे और हनुमान जी जी में पत्तल पर बैठ करके, तब हम समझे कि ये पवित्र हो गया है। इतना सुनते ही आपने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी महाराज, श्री राम नाम की महिमा आपसे अधिक और कौन जान सकता है? यद रोम कूपे ध्वनि संतम श्री राम जय जय राम। आपके तो रोम रोम से श्री राम जय जय राम ये विजय मंत्र प्रकट होता रहता है। हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं ना इस विजय मंत्र का, श्री राम जय राम, तो नाच नाच कर कीर्तन करते हैं। आप दक्षिण भारत में सुचिंद्रम गए हैं जहां हनुमान जी का विग्रह है, बहुत विशाल हनुमान जी का विग्रह है। हनुमान जी की पूछ में एक घंटा लटका हुआ है। दक्षिण में जितने हनुमान जी के विग्रह हैं सब में एक घंटा उनकी पूछ में लटका रहता है। हमारे वृंदावन रंगनाथ मंदिर में भी हनुमान जी की पूछ में घंटी बंधी हुई है। उसके संबंध में ऐसा कहा जाता है, दाक्षिणात्य आचार्य संप्रदाय के आचार्य महानुभाव कहते हैं कि हनुमान जी सुमेरु के समान विशाल देह है हनुमान जी का, और हनुमान जी स्वर्ण शैलाव देहम, स्वर्ण शैल के समान आभायुक्त हनुमान जी का देह है, और हनुमान जी पूछ में उनके घंटा बंधा हुआ है। किसने बांधा? तो कहते हैं श्री किशोरी जी ने उनके पूछ में घंटा बांधा है। वो कीर्तन करते हैं तो घंटा बजता है। आप लोगों को घंटा का नापतोल भी बता दें, हमने तो ऐसा सुना है आचार्यों से कि 60 लाख टन वजन का घंटा है सोने का, और वो इतना बड़ा घंटा हनुमान जी की पूछ में ऐसे लगता है जैसे छोटी सी घंटी बंधी हो। तो जब हनुमान जी कीर्तन करते हैं करताल बजा करके,
वो पूछ ऊपर से ऐसी आकर के वो घंटा ऐसे टन 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 ऐसे बजता है साथ में, तो हनुमान जी के कीर्तन में वो सहयोग करता है। तो उस समय हनुमान जी के केवल घंटा से ही ध्वनि नहीं, जेवा से ही नहीं, हनुमान जी के रोम रोम से, यद रोम कूपे ध्वनि मूल्य संतम श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।